हेलो पेरेंट्स, हम सब ड्रीम करते हैं एक ऐसी फैमिली की जिसमें मेरे पास दो प्यारे बच्चे हों, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट हो, बच्चे आपस में खेलें, बात करें, एक अच्छी चीज़, एक अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचें। बट ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। वी पेरेंट्स गेट ऑलमोस्ट स्ट्रगल्ड इरिटेटेड बाय दी फाइट्स बिटवीन टू सिबलिंग्स। दोनों बच्चे आपस में एक ही चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं, परेशान होते हैं और फिर हमें भी परेशान करते हैं, और हम बहुत ज़्यादा इरिटेट होने के कारण उन्हें गुस्सा करते हैं, जिसकी वजह से हमें खुद भी गलत फील होता है कि हमने एक छोटी सी बात पे उन्हें डांटा। ये चीज़ें आगे आगे बढ़ती हैं तो बच्चे माँ बाप के लिए निगेटिव रिव्यूज़ रखते हैं। सो नाउ हेयर कम्स द टाइम टू टॉक अबाउट द सिबलिंग राइवलरी एंड हाउ यू कैन स्टॉप देम। फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू योर पॉजिटिव पेरेंटिंग, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छी पेरेंटिंग वीडियोज़ मिल सकें। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिबलिंग राइवलरी। होता क्या है कि दो बच्चे एक ऐसे टॉय के पीछे या एक ऐसी चीज़ के पीछे लड़ रहे हैं जिन्हें कल तक उसकी कदर भी नहीं थी, और आज उसके लिए वो वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुँच गए हैं। वो एक दूसरे को मारते हैं, हर्ट करते हैं और फिर हमें दूर से बुलाते हैं, हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते। एंड देन वी वेंट ऑन गिविंग अ बिग लेक्चर। हम उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताते हैं, कंसोल करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाते हैं, लेकिन ये चीज़ें काम थोड़ी ना करती हैं। सो नाउ कम्स द पॉइंट कि एज अ मदर वेयर यू कैन लेट योर बोथ द किड्स सॉल्व देयर ओन इश्यूज अपने आप विदाउट पुटिंग अ बर्डन ऑन योर सेल्फ एंड गिविंग यू मोर स्ट्रेस। सो द फर्स्ट रूल आई एम टेलिंग यू टूडे, आई टेल यू 5 रूल्स टूडे हाउ कैन यू वर्क ऑन योर सेल्फ। सो द फर्स्ट रूल आई एम टेलिंग यू टूडे इज Let them work on themselves। उसके लिए एक proper rule list बनाओ, और वो क्या rules होने चाहिए वो मैं बताती हूँ। The first rule is जो एक दूसरे को कोई भी चीज़ के लिए hurt करेगा या कुछ गलत बोलेगा, उसे कम से कम भी 3 से 4 दिन के लिए किसी भी तरह का स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। स्क्रीन टाइम मतलब वॉचिंग द टीवी, वीडियो गेम्स, प्लेइंग आउटसाइड और एनीथिंग। यू आर नॉट अलाउड टू हैव एनीथिंग। इससे बच्चे धीरे धीरे उस नेगेटिव चीज़ को कम करना शुरू करेंगे और राइवलरी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। सो द नेक्स्ट रूल इज यू विल नॉट से एनीथिंग इंसल्टिंग टू ईच अदर। कुछ भी, तू पागल है, तू कर नहीं सकता, या तू हमेशा मुझे परेशान करता है, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, आपके नंबर अच्छे नहीं आते, जो छोटी छोटी बातें बच्चे एक दूसरे को बोलते हैं, ये सब चीज़ें एक दूसरे को नहीं बोलनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सेम एज इन रूल नंबर 1 आपका स्क्रीन टाइम चला जाएगा। द नेक्स्ट एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज बच्चे लड़ते इसलिए पहले में, मे बी दे गिव द टॉय टू देयर एल्डर वन ऑल्सो, बट लड़ते इसलिए हैं कि पहले मैं। तो जो भी बच्चा पहले मैं बोलेगा या लड़ेगा उस चीज़ के लिए, उसे वो चीज़ सबसे आखिरी में मिलेगी। एंड यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रिक्ट एंड फेयर टू दिस रूल। अगर ये रूल आप उतना ही फेयर और स्ट्रिक्ट रखेंगे तो बच्चे धीरे धीरे दूसरों को ऑफर करना और रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, विच इज़ अ लाइफ लॉन्ग मोरल जो हम पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा से सिखाना चाहते हैं। The next and the important rule is rule number 4. The rule says borrowing. बच्चे खुश होते हैं अगर उनके पास कलर्स हैं भी, फिर भी अपने छोटे भाई या बड़े भाई से मांग के खुश होते हैं, अचीवमेंट महसूस करते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ वहाँ बढ़ती हैं जब वो उसे टाइम से रिटर्न नहीं करते या वो चीज़ तोड़ के वापस देते हैं और फिर आपके लिए बर्डन आता है। तो ऐसे में कोशिश करें, देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट रूल फॉर बोरोइंग। अगर आपने अपने बड़े या छोटे भाई या बहन से कुछ लिया है तो उसको सूटेबल टाइम के अंदर रिटर्न करें, और अगर आप रिटर्न नहीं कर पाते तो आपके उस कज़न को या ब्रदर को पूरा राइट है कि वो आपके आपके टॉयज़ में से कुछ भी ऐसी चीज़ ले सकता है, एंड यू कैन नॉट से नो फॉर इट। मेक इट अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल सो दैट दे नो, दे लर्न ब्रदरहुड एंड कंपैशन बिटवीन ईच अदर। सो द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट रूल विच आई वॉन्ट एवरी पेरेंट टू फॉलो इज whatever and whatever the thing they are fighting for, जिस एक चीज़ के लिए वो वर्ल्ड वॉर 3 कर रहे हैं, उस चीज़ को टाइम आउट करना है, उस चीज़ को दोबारा उन्हें देना ही नहीं है। सो दैट ना तेरी ना मेरी, लेट इट बी साइलेंट फॉर सम टाइम। दीज 5 रूल्स विच कम अलॉन्ग वेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ दीज, यू विल फील अ मेजर चेंज बिटवीन योर 2 डॉटर एंड द सन्स, द ट्वीन्स यू हैव एट योर होम। These child psychology tips are very much necessary for your kid. I am here, Dr. Neha Mehta, clinical psychologist and the child psychologist working in this field from the past 9 years. My basic purpose is to let the kid and the parents understand each other. So,
If you feel like that this video needs to be shared among all the parents there, please like, subscribe to my channel so that you will come along more and more videos which will help you to connect with positive parenting. Secondly, if you feel that there is some major issue related to writing, speaking difficulty, studying difficulty, not completing the homework on time or any behavior issues, you can personally contact me. There is a link given below this video where you can contact me online also through my website, personally through my Facebook link and any other means. I have my phone number written here also. Please contact me if you feel that it needs to be worked out. And happy parenting. Thank you.